वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े राइवल इंडिया पाकिस्तान जब 28 अगस्त को मैदान पे उतरेंगे तो मैदान के अंदर भी गर्मी रहेगी और मैदान के बाहर बाहर भी। लाखों फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, खासकर इंडिया के फैंस जो T20 वर्ल्ड कप के हार का बदला लेने के लिए बेताब हैं। इस मैच के क्रेज़ का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि टिकटों का पोर्टल खुलते ही 90,000 टिकट बिक गए और अब स्टैंडिंग टिकट भी बिक रहे हैं। दोनों देशों के फैंस को मैच देखना है, वो चाहे खड़े होकर देखें चाहे जैसे भी, उनको बस मैच देखना है। इंडिया टीम T20 वर्ल्ड कप में हार का बदला लेने के मूड से उतरेगी और जबकि पाकिस्तान टीम एक बार और इंडिया को हराने के लिए उतरेगी। पाकिस्तान इंडिया टीम को पिछले 8 साल से एशिया कप में नहीं हरा पाया है। बहरहाल मैच का रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन ये मैच बहुत ही बड़ा मैच होगा। अब दोनों टीमों के T20 स्टार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 9 मैच हुए हैं जिसमें से 6 इंडिया जीता है, 2 पाकिस्तान जीता है और 1 टाई हुआ है। मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों को बड़ा झटका लगा जब यह पता चला कि इंडिया की ओर से बुमराह और पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। इंडिया के फैन होने की वजह से मैं तो इंडिया टीम को ही सपोर्ट करूंगा, लेकिन इस मैच को देखने में बहुत ही मज़ा आएगा जहां इंडिया टीम पाकिस्तान को हराने के मूड से उतरेगी और पाकिस्तान टीम इंडिया को हराने के इरादे से उतरेगी। इस मैच को देखने में बहुत ही मज़ा आएगा और 28 अगस्त का सबको बेसब्री से इंतज़ार है। धन्यवाद।